नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपके अंदर उठ रहे उत्सुकता भरे सवाल को जवाब देना चाहता हूं कि यह वीडियो एक ब्लॉग वीडियो होने वाला है जो कि भारत के अंदर स्थित एक छोटे से शहर सिलवासा के बारे में दिखाया जाएगा और इसी के साथ साथ सिलवासा के बारे में कुछ और जानकारियाँ दी जाएंगी जो आपको शायद देख करके अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा बकचोदी न करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ। इसी के साथ सब लोगों की तरह मैं भी आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको यह वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सिलवासा शहर के बारे में कुछ नई नई जानकारियां आपको देते हैं। सिलवासा शहर का दर्शन करने से पहले आप मेरा दर्शन कर लीजिए। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह स्वयं मैं ही विराजमान हूँ जो कि अपने कंपनी के बस के द्वारा यात्रा कर रहा हूँ। फिलहाल अभी आप सामरवाड़ी में पहुँच चुके हैं जो कि सिलवासा शहर से 1 किलोमीटर के दरमियान यह पड़ना है। अगर आप सिलवासा शहर से यहाँ तक आना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये भाड़ा पे करने पड़ेंगे सामरवाड़ी तक का। अभी आप इस समय ये सारे चित्र जो देख रहे हैं ये कंपनियों के चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ पर इस भारत में स्थित हर स्टेट के आदमी यहाँ पर आकर रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी कम करने वाला अगर शहर देखा जाए तो वह सिलवासा शहर है। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार का जॉब यानी कि नौकरी मिल सकती है, चाहे आप जिस भी फील्ड से होंगे। अधिकतर यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात किया जाए तो राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, यहाँ तक करके साउथ इंडिया के लोग अधिकतर यहाँ पर देखे जाते हैं। यहाँ पर आपका जो मातृभाषा की बात किया जाए तो यहाँ पर अधिकतर गुजराती बोली जाती है, क्योंकि यह गुजरात के अंदर ही समझ लीजिए स्थित एक शहर है। माना कि यह केंद्र शासित प्रदेश है, फिलहाल यह गुजरात से ही संबंध रखते हैं क्योंकि इसके बगल में गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट लगाते हैं। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के लोग भी अधिकतर दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो खासियत की बात किया जाए तो इस शहर की खासियत यह है कि आप अपने घर में या फिर आप अपने डेली लाइफ में जो भी सामान यूज करते हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए तो अधिकतर इसी शहर से होकर किया जाता है, यानी कि अधिकांश इसी शहर में हर एक सामान का मैन्युफैक्चर किया जाता है, चाहे वह आप कपड़े पहनते हों या फिर कुर्सी पर बैठते हों या फिर आप किसी भी प्रकार का चीज़ यूज करते हैं। यहाँ पर अगर सबसे सस्ता चीज़ की बात किया जाए तो यहाँ पर बेड़ों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दारू, बियर जैसी चीज़ें बहुत ही सस्ते रेटों पर मिलती हैं जो कि अन्य प्रदेशों से बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिकांश बेड़े भी देखे जाते हैं। फिलहाल हम लोग अभी सिलवासा शहर का जो हार्ट यानी कि जो दिल माना जाता है उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जिसका नाम किलोनी नाका है, जो कि बहुत ही देखने में सिंपल और साधारण सा लगेगा, लेकिन यहाँ के दुकानदारों की कमाई की अगर आप तुलना करेंगे अदर शहरों से तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाई करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि यह देखने में जितना सिंपल लगता है पैसे के मामले में उतना ही ज़्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग रहते हैं वो जॉब करने वाले ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की बात की जाए तो उतना अच्छा व्यवस्था पढ़ाई के मामले में यहाँ पर नहीं देखा जाता है। हाँ, यहाँ पर आपको इंजीनियर्स, सीए,
बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि वो दूसरे शहर से पढ़कर आए हुए इस शहर में सिर्फ नौकरी करते हैं। फिलहाल आप किलोनी नाका क्रॉस कर चुके हैं जो कि सिलवासा में है। अभी आप सिलवासा के सब्जी मार्केट में पहुंच चुके हैं जो कि आपको हर शहर की तरह यहां पर भी भीड़ दिखाई देगा। साथियों, अभी आप लोग वाफी और सिलवासा के बीच जो रास्ता एक दूसरे को कनेक्ट करता है उस पर यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल आया वीडियो बंद करने का समय आ चुका है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं पका सकता हूँ। मैं आपसे अब थोड़ा यह चर्चा कर लेता हूँ कि सिलवासा में आप आएंगे कैसे। सिलवासा में आने के लिए आपके पास प्रमुख तीन रास्ते हैं, एक सूरत, दूसरा मुंबई, तीसरा नासिक। इन तीनों रास्तों के सहारे से आप यहां पर आ सकते हैं। यह अभी फ़िलहाल वीडियो ख़त्म होने के कागार पर है और यह सिलवासा शहर भी ख़त्म होने के कागार पर है, यानी कि अभी आप जो चलचित्र देख रहे हैं वह सिलवासा शहर का अंतिम छोर दिखाई जा रहा है। इसके बाद जो शहर आने वाला है वह शहर बोले या फिर स्टेट, वह गुजरात स्टेट लगने वाला है जो केंद्र शासित प्रदेश है। इस समय जो आपको यह बॉर्डर दिख रहा है, जो लोग आ जा रहे हैं, यही लास्ट बॉर्डर है सिलवासा का। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। अगर आपको सिलवासा आने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप सिलवासा के हैं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।